वंदे मातरम गायन समिति के तत्वावधान में स्वाधीनता के 75वें अमृत महोत्सव के तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर सामूहिक वंदे मातरम गायन व भारत माता की आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर के 20 नगरों के स्वयंसेवक व विभिन्न विद्यालयों के छात्र व छात्रों ने प्रतिभाग किया तथा महानगर के विभिन्न विद्यालयों से आई तिरंगा यात्रा व भारत माता की रथ यात्रा MP इंटर कॉलेज पहुंची। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे राजेंद्र लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा देश के लिए जान गंवाने वाले शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गीता लाहिड़ी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम उन बलिदानियों के प्रति वास्तव में एक बड़ा सम्मान है तथा आज का दिन हम उन बलिदानियों के कारण देख रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वाधीनता के उस स्वरूप को बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है तथा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम में सहभागी बनी हूं तथा अमर बलिदानियों को नमन वंदन करती हूं। वही कार्यक्रम का समापन सामूहिक वंदे मातरम गायन व भारत माता की आरती के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, RSS के प्रांत प्रचारक अजय, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे सहित भारी संख्या में छात्र और छात्राएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक मनकेश्वर नाथ पांडे तथा शहीदों के परिजनों ने कहा, महानगर के विभिन्न कॉलेजों से और प्रांगण में जो अमृत महोत्सव के रूप में अभिनंदन के साथ इस प्रांगण में प्रवेश कर रहा है, उनका उचित जगह पर बैठाया जाए। खुश है वो सदैव बढ़ता रहेगा। आप कहेंगे अपना देश है अपना माटी, देश भारत माता की वंदे। इस प्रांगण में हमने कार्यक्रम है डरी नहीं भी है तो अभियान ग्रहण करें। कोई बच्चा खड़ा ना दिखाई दे, वीरों का देश है, आराम से सभी बच्चे बैठ जाए करें। जो शिक्षक बंधु हमारे पीछे खड़े हैं, जो बच्चे पीछे हैं उन्हें बैठाने जाओ, जहाँ भी जगह। इसलिए जरूरी नहीं कि हम मैटी में बैठे, अगर नहीं है वहाँ पर तो आपसे निवेदन है कि आप वहीं बैठ जाएंगे। बाल्टी मार के बैठे समय लगेगा, इसमें कार्यक्रम है, इसलिए आपसे निवेदन है पैर दर्द न करें। इधर जो भैया है उनसे भी आग्रह है कि जो इधर गेट पर भैया आ गए हैं उनसे आग्रह है कि पीछे की तरफ जाकर के, उनसे निवेदन है कि पीछे की तरफ प्रति श्रद्धा व गौरव का मान सम्मान हो। इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव का उद्घाटन 19 नवंबर 2021 से प्रारंभ होकर कल मनाया जा रहा है। अपने महानगर में भी सभी मोहल्लों, कॉलोनी, बस्तियों में भारत माता का रथ जो वीरों वीरांगनाओं के चित्रों बंधु है व्यवस्था में लगे हैं वो शीघ्रता से माइक के पास आ जाएं। भारत की राष्ट्रीय प्रज्ञा हम कर्तव्य है, देश अगर हमारी आवाज पहुंच रहे तो शारीरिक टोली के जो अस्मिता की सुरक्षा शारीरिक टोली
अपनी धरती और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव ही व्यक्ति को मानवता के शीर्ष बिंदु तक ले जाता है। राष्ट्रीय एकता के गीतों इन्हीं गीतों की प्रेरणा से व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण एवं और वातावरण के भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे समक्ष मेजर जनरल कपिल वाजपेयी जी, प्रांत सह संचालक, बस एक शाख सिर्फ इतनी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ मैं मंचासीन अतिथिगण से आग्रह
सभी बच्चे ताली बजाएं। आपके समक्ष जो भव्य तिरंगा आया हुआ है इसके सम्मान में सभी बच्चे एक बार खड़े होकर ताली बजाएं और साथ में बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत वीरों की। अब आपसे आग्रह है कि आप लोग सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये सभी नौजवान जो छात्र आए हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग कार्यक्रम का आनंद लें और अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो वहाँ के सहयोगी बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ कि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं इनको एक बार उचित स्थान पर बैठाने की कृपा करें। बहुत ही गौरव का क्षण है, कहा जाएगा वंदे मातरम गीत के लिए उस समय आप अपमान के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। सभी लोग मुख्य अतिथि हमारे इसी धरती के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजेंद्र नाथ नायडू के परिवार की जिनको की प्रेरणा लेनी है भारत वर्ष के एक बहुत ही भावुक क्षण है। इस मंच के द्वारा हम श्रीमान प्रदीप शुक्ला जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आप भी कृपया मंच पर शीघ्र है। घूम के आप सेवा में तत्पर हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि आपके निर्देशन में पूरा नया भवन करने में भी आपकी महती भूमि सम्मानित अवनाश कुमार सिंह जी IAS अधिकारी इस आयोजन का दिव्य एवं दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी आज आप इसके साक्षी बन रहे हैं उसके मन में आजीवन इसकी स्मृति बनी रहेगी। राष्ट्रीयता की भावना बलवती होगी। सम्मुख बैठे विद्यार्थी इस विशेष रूप से इससे लाभान्वित होंगे। उनकी संवेदनशीलता और राष्ट्रप्रेम की भावना परिपुष्ट होगी। वे त्याग एवं बलिदान के मर्म को समझ सकेंगे। फलतः यह राष्ट्र सदैव सुरक्षित और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। एक बार पुनः आयोजन समिति की ओर से आए हुए अपने सभी छात्र छात्राओं को, हर विद्यालय के प्रतिनिधियों को, शिक्षकों को, प्राचार्य को और आम जनमानस को, हमारे विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। खुशी हुई थी 17 तारीख को 16 तारीख को मेरे पिता उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने, मेरे पिता रो रहे थे, उन्होंने कहा क्यों रो रहा है तू, मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मैं आज देश के लिए अपने को बलिदान कर रहा हूँ और मैं फिर जन्म लूंगा, मैं देश को आजाद करते रहूंगा। आज हम उनके बलिदान के लिए बहुत ज्यादा खुश है कि आज हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं। आज उन्हीं की, उन सब की बलिदानी हम लोगों के लिए आज कितना बड़ा अनुभव है। मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर आके कि आप लोगों ने किया। मैं धन्यवाद शुक्ला जी को जिन्होंने मेरे को यहाँ आप आने का निमंत्रण दिया। मैं अकेली आई हूँ खाली आप लोगों के लिए। आप तो मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, इस इज्जत का मैं सम्मान करूँगा। निश्चित रूप से एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए इस अवसर पे। बहुत खुश नसीब वो लोग होते हैं। सुभाष शुक्ला जी का पंथा चौक में 24 जून 2017 को आतंकवादी हमले में बलिदान हुए बलिदानी साहब शुक्ला की पत्नी हैं श्रीमती सुभाष शुक्ला जी, मूल निवास गोरखपुर। इसके बाद एकल गीत के लिए एक बलिदानी का और सम्मान है। प्रतिमा जी तैयार रहेंगी, जब हो जाए प्रतिमा जी आमंत्रित।
को बलिदान हुए, उन्हीं की पत्नी हैं। पति का नाम स्वाधीनता अमृत महोत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। इसके पश्चात एक एकल बैठ करके इस कार्यक्रम को ठीक से समझो। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने Yeah.
सभी अवगत हैं कि यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और उसी क्रम में यह अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती और नगर के समस्त विद्यालयों के, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की उपस्थिति आज यहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास है। ये छात्र अपने अपने विद्यालय से प्रभात फेरी निकालकर तिरंगा हाथ में लेकर उस स्मृति को जिंदा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, जो कि हम सभी लोगों के अवचेतन में है कि किस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया था। आज हम यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करेंगे, सामूहिक वंदे मातरम गायन होगा और साथ ही साथ भारत माता की आरती होगी और इसके बाद यह कार्यक्रम पूर्ण की ओर अग्रसर है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आज जो लोग इसके साक्षी बन गए हैं उनके मन में निश्चित रूप से देश के प्रति भावना, समाज के प्रति अपना दायित्व का भाव पैदा होगा। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था और यही संदेश है।